चुनाव का आगाज और राजनीतिक दल वादों की बात न करे ऐसा हो नहीं सकता। राजस्थान में सभी राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में जनता से वादे कर रहे हैं, रोजगार से लेकर मुफ्त शिक्षा, पेंशन, यहां तक कि घर देने के साथ किसानों की फसल बीमा तक करवाने का वादा कर रहे हैं। सभी दल अपने मैनिफेस्टो को दूसरे से बेहतर बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मीडिया के सामने अपना मैनिफेस्टो दिखाते हुए कहा कि अगर वो सत्ता पर काबिज होती है तो अगले 10 दिन में वो सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर तोहफा देगी। ये राजस्थान का घोषणा पत्र है, इसमें पेज नंबर 8 पर राज्य कर्मचारी कल्याण विषय पर बहुत छोटा सा मैनिफेस्टो दिया है, जिसका पॉइंट नंबर 2 मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वर्ष 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नवीन पेंशन योजना यानी एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। अब दिल्ली सरकार ने यह वायदा राज्य कर्मचारियों से पूरा किया है। दो दिन पहले दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कई संगठनों में रैली की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रैली को अपना समर्थन देते हुए विधानसभा में पुरानी पेंशन स्कीम को पारित करने के बाद अब गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। पर ये बात अलग है कि कोई भी नेता ये नहीं कहता कि जब 30 साल की नौकरी करने के बाद भी पेंशन नहीं हो तो फिर 5 साल सेवा भाव का नाम पर नेताओं की पेंशन क्यों। राजस्थान के सभी लोगों से अपील करूंगा, सरकारी कर्मचारियों को, कि हमारी सिर्फ एक पार्टी ने साथ दिया जो आम आदमी पार्टी है। 1 जनवरी 2004 से, जैसा कि सब सरकारी कर्मचारी को पता है कि नए ये एनडीए गवर्नमेंट ने हमारी न्यू पेंशन स्कीम में रख दिया, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया। न्यू पेंशन एक बस छलावा है और कुछ नहीं है। 10% हमारा, 10% सरकार का पैसा प्राइवेट कंपनियों को जाता है और हमारे बदले में रिटायरमेंट में 700-800, जैसा कि सर ने बताया, विधायक जी ने, इनको हमने दिखाया भी है। और दिल्ली में हमने बहुत अच्छा मूवमेंट किया, अभी परसों ही एक आंदोलन किया था न्यू एनएमओपीएस के बैनर तले, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी किया है कि दिल्ली में लागू कर दिया है, उसी दिन बिल भी पास किया है। न्यू पेंशन स्कीम यूपीए सरकार ने 2004 में लागू की थी, तब से लेकर आज तक किसी राजनीतिक दल ने कभी ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने के लिए बात नहीं की। पर जब लोगों ने नेताओं को मिलने वाली पेंशन पर सवाल उठाने शुरू किए तो अब नेता भी कहने लगे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए। पर सवाल ये है कि आखिर हक फिर छीना ही क्यों था। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।